को लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, वहां पर सहयोगी संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं। संजीव, पहले तो हमने वोटर्स का मन टटोला था, अब पूरे दिन ये कोशिश रहेगी वोटर्स से बातचीत कीजिएगा, लेकिन इस सीट का गणित भी समझाइए, क्योंकि इस बार बीजेपी गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। पहले आप वोटर से बातचीत कीजिए। जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुजफ्फरनगर जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें गांव पड़ता है राधना। अब ये तकनीकी तौर पर देखें तो ये मेरठ ज़िला में आता है, लेकिन ये सीट जो है वो मुजफ्फरनगर की है। और मुजफ्फरनगर की सीट में एक खासियत इस बार की ये है कि यहाँ पर एक विशेष बात सामने आई है कि यहाँ की जो क्षत्रिय मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोटर हमेशा से रहे हैं, इस बार थोड़े नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपसे हम उनको बात करवाएंगे, ये भी उनसे पूछेंगे। और आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें कि हमारे पीछे उच्च प्राथमिक विद्यालय औरंगनगर राधना है, जो कि पास के खैरा गांव में जो सभा हुई थी उसके पास का गांव है ये। और वहां पर, और देखिए ये कितने लोग या थोड़े बुज़ुर्ग सब पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। बड़ा ख़ास ये नज़ारा देखिए, कैसे कैसे लोग यहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा ख़ास है। और बताया यही जा रहा है यहां पर कि लोग बाग अपने अपने मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, लेकिन एक डोमिनेंट मुद्दा जो है वो यही है कि इस बार जरा मिजाज नाराज है। अब आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ पहले बताएं? मेरा नाम अमित राणा है। अमित जी, ये बताएं कि जब इस बार वोट कर रहे थे तो आपके दिमाग में इश्यू क्या क्या था? देखिए, हम तो डेवलपमेंट के नाम पर और विकास के नाम पर वोट देना शुरू से ही, जो क्षत्रिय समाज है इन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इनको क्या चाहिए था कि जो नीडेड हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी शिक्षा, उनकी सुरक्षा और ये सब चीज़ें जो हैं उनके लिए हमेशा से वो मानी रहती। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ अनदेखी की हुई, हमारे जो विकास कार्य हैं वो यहाँ इधर इतना ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ। और लेकिन हमारा जो वोट है वो डेवलपमेंट के नाम पर हमेशा से आता था। हमारे अपनी कुछ कोई महत्वाकांक्षा ऐसी होती नहीं है कि जो हम लोग कोई पर्टिकुलरली हमें कुछ खास कोई चीज़ चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं। सब शिक्षित और समझदार, पर हमें इस बार यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि जो लोग वोट देते हैं वो बहुत बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस क्षेत्र में खुल के बोलते रहे, साइकिल, कोई फूल, ये क्या बात हुई, क्या हो गया ऐसा? सर, ऐसा ही है बस। अब की बार तो ऐसा है ना, कोई कुछ की किसने कुछ भी काम कराया है, संजीव बालियान से कुछ भी काम पड़ा है, उसने कोई काम नहीं कराया, वो कभी आके झक्का ही नहीं आवे। नहीं तो ये नाराजगी आपकी स्थानीय नेता से है या कुछ और आपके दिमाग नहीं, इसी में नेता से है? हा? इसी नेता से है। तो अभी तक तो पिछली बार तक तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जबरदस्त वोट मिला करता था, ये सच है, मैं यहाँ आया था जी, बिल्कुल मिला था। मतलब बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बस जो भी है ये यही इसी नेता का मामला है। जो इनका जो मत है ये यहाँ का, इनका अकेले का मत है या फिर यहाँ इस तरह का मत है ही इस बार? देखिए, मत सबका अपना अपना अलग अलग है, ठीक है ना, कोई डेवलपमेंट के नाम पे है, कोई किसी चीज के नाम पे। आप किसके नाम पे? लेकिन हम डेवलपमेंट के नाम पे। आप किस नाम पे वोट दे रहे हैं? हमारा जो वोट है वो डेवलपमेंट के नाम पे। अच्छा, अब आप बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिव कुमार राणा। शिव कुमार जी, आप यहाँ पर जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, युवा है कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, अब थोड़े से इस बार बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, ये क्या स्थिति है? या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतता है। कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत हो सकता है, कुछ हमारे बड़े नेताओं के एक दो के इशारे पर कुछ चल सकता है, बाकी सब पूरा क्षेत्र जो है पूरी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जाहिर है, तो ये बड़े नेताओं का इशारा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा कुछ होगा, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, वो व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हो सकता है, बाकी लाभ हानि, बाकी यहाँ का जो सामान्य जन सामान्य जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, वो मोदी जी योगी जी को वोट। उनके मुद्दे क्या रहेंगे? उनके मुद्दे आज योगी जी ने यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय क्षेत्र को देने का काम जो किया है, भगवान नाम का मंदिर बनाने का जो काम इसे उत्तर प्रदेश के पूजनीय संत योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और विकास के नाम पर तो जो आज भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में बनाने जिस तरह से जो बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उन मुद्दों पर आपने वोट दे लिया? अब जाऊंगा वोट डाल। अच्छा, ठीक है। अब आप बताएं आपके क्या मुद्दे हैं? अभी इन्होंने राम मंदिर का जिक्र करा है। हाँ? राम मंदिर में राम बताएंगे कौन थे? क्षत्रिय थे। हाँ, 250 आदमी ट्रस्ट में रहे, एक भी क्षत्रिय है उसमें? अच्छा, बताओ आप मुझे। अच्छा, ये प्रश्न है आपके दिमाग में? बिल्कुल है, क्यों ना होगा। और क्या प्रश्न है? एक क्षत्रिय हूँ तो ये दर्द होगा नहीं होगा, आप बताइए।
अच्छा, ये पूरे छत्रियों का ही गांव है ये? हाँ बिल्कुल, 24 गांव हमारे यहाँ छत्रियों के। तो आप लोग तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। वोटर हैं, गुलाम थोड़ी ना है, वोटर ही तो है, सपोर्टर है, गुलाम नहीं है। अब के दिखा देंगे। तो आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत सारे हैं, इन्होंने जो क्षत्रिय समाज का अपमान किया सबसे पहले वो है। दूसरा, चलो कोई बात नहीं, टिकट नहीं दिया था कोई बात नहीं, हम मान जाते, लेकिन जो हमारा स्वाभिमान है वो सबसे ऊपर है। चलिए, तो इस तरह की बातें हैं जो कि आज यहाँ पर आपको राधना गांव में सुनाई पड़ रही है, और बहुत आसान नहीं होगा यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुँचना, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत लोग हैं जो कि इस बार कुछ इश्यूज़ को लेकर, खासतौर पर जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए हैं उसको लेकर नाराज़ हैं। अभी हाल यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें कि इस प्रदेश में कई ज़िलों से और बाहर के प्रदेशों से भी क्षत्रिय समाज के लोग जुड़े थे, और उनका ये कहना है कि हम हमेशा से वोट करते आए हैं लेकिन इस बार हम वोट नहीं करेंगे। 400 प्लस के दावे में एक झटका होगा, जो कुछ आप बात कर रहे हैं जमीनी हकीकत हम सुनवा रहे हैं। संजीव, आप बने रहिएगा, मैं